देर में कह रहा था ना इसी वजह से मना कर रहा था तुम दोनों को वहाँ पे जाने के लिए। यार ये रियल में होती है क्या चीजें? ये बारह सिंगा वगैरह नहीं होती हिरन उसकी हड्डी है भाई, इतना बड़ा बारह सिंगा की हड्डी खा रहे हैं। चलो अंकल जी बस थोड़ा सा देख के आना है कि ये सच है या नहीं। किसने बोला उत्तरी ये किसकी हड्डी है भाई? सो हेलो गाइस कैसे आप सब, मैं आपको भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी लोग। तो गाइस अभी उठ चुके हैं और ये तो अभी भी लेटा हुआ है। चले भाई ब्रेकफास्ट करने। विनीत विनीत पोटी कर रहा है अबे साले तभी। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट खाने चलते हैं। गाइस ये देखो एक फोन में एडिटिंग चल रही है, खाना पीना चल रहा है। गाइस ब्रेकफास्ट करके तो आ चुके हैं और भी सारे रेडी हो चुके हैं। चले किस किसी को से मिलने आती है? किसी को नहीं आती, भाई मेरे को आती है। मैं अकेला बच जाऊँ तुम सारे डूब जाओगे, बड़ा हरामी हो बेटा। भाई सब जल्दी से वो भैया वेट कर रहे हैं, अभी वहाँ पहुँच के बात करते हैं और 9 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये क्या लगा लिया? भाई गाड़ी तो पीछे लगा दी थी, अभी राफ्टिंग वाले के पास जा रहे हैं। डूब जा। मैं बहुत खुश हूँ। बहादुरगढ़ बहादुरगढ़ देखना साहब मौत के कुएं में जाने के लिए रेडी हो? रेडी। गाइस अपनी राफ्ट पे आ चुके हैं। गाइस फोन को तभी रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे रैपिड में गिरने की भी ज्यादा, तो इसलिए फोन को रख देते हैं भाई। राफ्टिंग तो पूरी हो चुकी है और भाई कितना मस्त थ्रिलिंग एडवेंचर था यार। भाई मैं ये कह रहा जिप्सी आने वाली है, जिप्सी का वेट करेंगे। अब जिप्सी पे बैठ के वापस रिसॉर्ट पे चलेंगे। ओ भाई सुन, ओए पागल हो गई पानी ऐसा जल्दी कर लो यार, वहाँ पे वापस भी तो जाना है, सामान वान भी उठा के लाना यार। आ गई अपनी गाड़ी भी आ गई। चलो थैंक यू भाई हमारे गाइड। भाई अभी रिसॉर्ट साइड जा रहे हैं, पोर्ट तो टिकवा दे ऊपर। पूरे पैसे दिए अपने आप करेंगे, इसने हाथ दे दिए। अभी तो इससे कभी रस्सी खिंचवा रहे, कभी कुछ करवा रहे, सबसे ज्यादा चप्पू चलवा इससे। सो गाइस राफ्टिंग करके तो आ चुके हैं और भाई काफी ज्यादा मजा आ गया यार, एक नंबर का एक्सपीरियंस था। दोबारा करेंगे। ये क्या प्रोटीन पी रहा है? सिर्फ खाली प्रोटीन पीने से बॉडी बनती नहीं है गाइस, अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना था तो इसको देख सकते हो, सिर्फ प्रोटीन पी रहा है। गाइस करनाथ को जो हमारा सामान वहां पे रह गया था अभी वो सामान लेने जा रहे हैं। चले भाई चल यार, रहने दो ना, क्या करोगे वहां पे जाके? अरे यार सामान भाई 5-10 हजार का सामान है, लेके तो आना पड़ेगा, बाद में भी तो कभी काम आएगा वो टेंट कैंपिंग पे भाई। अरे कितना रिस्की है वहाँ पे जाना, अभी तो बस जाएंगे, बस टेंट लेके वापस आ जाएंगे, बस आगे नहीं जाएंगे और वापस आ जाएंगे। हाँ आगे कुछ काम नहीं है, आगे नहीं जाएंगे। चलो सो गाइस चलते चलते काफी दूर आ चुके हैं, अभी काफी आगे जाना है। ये देखो अभी तो वहाँ पे जाना है, ये और वो कहाँ रह गए? इतनी आगे आ गया टेंट का, चला गया उत्तरी। यार ये नदी के उस साइड लगा रखा था, यहाँ पे कैसे आ गया? यार हमने उस साइड लगा रखा, रात को मेरे ख्याल से जो तूफान वगैरह है ना उसकी वजह से इधर आ गया ये। ओए मेरे को कुछ बंदा दिखा ऊपर वहाँ पे। सुन ड्रोन ला रखी है ना, एक काम कर ड्रोन उठाते हैं। सुन विनीत आगे नहीं जाएंगे, ड्रोन से चेक कर, ड्रोन से तो चेक कर सकते हैं। रूम में ही मना किया था ना कि ड्रोन से तो कर सकते हैं, ड्रोन से तो कर सकते हैं ना। मेरे को पता था मैं इसलिए इनके साथ आया था, मेरे को पता था अंदर जाने की कोशिश करेंगे दोबारा। भाई नहीं जा रहे कहीं नहीं जा रहे यार। भाई देख ऊपर नहीं जाएंगे, ड्रोन से देखेंगे क्या चीज है फिर वापस चल पड़ेंगे। सो गाइस अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं और भाई ऊपर जाने का रिस्क नहीं ले रहे, ड्रोन से ही देखेंगे क्या कुछ सीन है वहां का। अब भाई अंधेरा भी होने वाला, सूरज भी छिप चुका पहाड़ी के पीछे, अगर अंधेरा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई ऊपर क्या आवाज आ रही थी, एक बार ऊपर चेक, ऊपर क्या आवाज आ रही है भाई? भाई कितना घना जंगल है यार, देखो इस साइड ऐसा लग रहा है जैसे तूफान वगैरह में लैंड स्लाइड हुई है। इस साइड तो पूरा घना, कितने किलोमीटर में फैला हुआ भाई, ये तो लैंडस्लाइड का रास्ता बना हुआ है। वो ये मंदिर में थे यहाँ पे, तो कहाँ मंदिर? ये देखिए आगे लेके चलना इसको, आगे पूरा लैंडस्लाइड का रास्ता है यार, पूरा जंगल पड़ा हुआ है यार, ये देखियो। और ये इस साइड पूरा लैंडस्लाइड का रास्ता। वो एक मिनट नीचे कर नीचे, ये देख कैसे पेड़ पड़ा हुआ है, ये तो भूतिया सा पेड़ लग रहा है। ये तो देख पूरी जड़ निकली हुई है इसकी, ये कौन बैठा हुआ नीचे? नीचे कर नीचे कर, कोई इंसान है? कौन बैठा है? अरे कोई इंसान बैठा होगा, क्या नशे वशे? अरे नॉर्मल कोई बंदा बैठा हुआ यार, नशे तो क्या
कर कर नीचे लेके जाना उसके पास लेके जाना। हाँ उत्तरी ये क्या, क्या है भाई क्या है ये भाई चीज है विनीत जो हमने कल देखी थी भैया क्या करियो एक बार जूम करना यार वो ये क्या खा रहा है क्या खा रहा है भाई ये इसके हाथ में देर में कह रहा था ना ओए इसी वजह से मना कर रहा था तुम दोनों को वहां पे जाने के लिए ओ भाई ओए यार ये रियल में होती है क्या चीजें यार अब तू खुद ही देख ले और देख पूरा मुंह अरे खून से लथपथ है ये तो भाई खून से लथपथ है और क्या चीज खाए जा रहा क्या चीज अरे ये क्या चीज खा रहे थोड़ा सा और पास लेकर के जाने इसके पेड़ उत्तरी भाई पेड़ है यहाँ पे तो थोड़ा सा पीछे रख यार भाई साहब देख ये देख अभी नहीं पड़ रहा भाई ड्रोन से यार इसको क्या ही पता चलेगा ड्रोन यार देख खा क्या रहा ये देखना अभी बड़े जानवर का है भाई साहब ऐसा लग रहा कोई हड्डी चबा रहा है भाई ये देख लो कैसी जगह बैठा हुआ है भाई अभी तक खा रहा है यार ये कितनी बड़ी हड्डी ले रखा है अभी तक खा रहा है मेरे को लग रहा है ये बारह सिंगा वगैरह नहीं होती हिरन उसकी हड्डी है भाई इतना बड़ा बारह सिंगा की हड्डी खा रहा है भाई साहब ओ भाई ये देख ना भाई कैसे खा रहा है सारा मुंह खून से लथपथ हो रखा है देखियो खून ही खून है भाई ये कल भी ऐसा ही था कल भी ये कुछ खा रहा यार इसके मुंह पे खून यार जब तक मतलब देखा नहीं ओए ड्रोन दिख गया ओए इसको दिख यार भाई क्या हुआ क्या हुआ उठ गया उठ के चला गया देखते ही उठ गया ये ड्रोन को यार इसके पैर कैसे ये देखना यार ये अरे क्या हो गया क्या हो गया अजीब सी होगी इसकी सेटिंग अरे यार कहां पे घुमा दिया यार ये अरे उस तरफ करना यार डायरेक्शन समझ नहीं आ रही यार अजीब सी हो रही भाई क्या हुआ गुफा के अंदर चला गया भाई गुफा के अंदर ये जड़ सी बन रखी है ना उसके नीचे गुफा लग रही है उसके अंदर चला गया ये रहता है ये फिर गुफा में नहीं जाएंगे तो एक बार लोकल को किसी को लेके चलते हैं ओ भाई पहले तो लेके आए ड्रोन उड़ाया ये ड्रामे रहते हैं हर बार मना करने के बाद भी चीजें करनी होती है भाई यार एक बार चल के देख तो रहते हैं यार देखेगा यार इन अंकल से पूछते हैं इन अंकल से पूछ लेते हैं अंकल यहाँ पे एक गुफा वगैरह देखी हमने अभी वहाँ पे एक कुछ क्या था वो आदमखोर टाइप कुछ आदमी था एक आदमखोर देखा हमने वहाँ पे एक उस गुफा में चल लोगे हमारा अरे यार चल आप तो साथ चलो आप तो लोकल में आगे अरे यार यार चलो अंकल जी बस थोड़ा सा देख के आना है कि ये सच है या नहीं यार जैसे लोकल बंदे से मिलाए थे यार इतना उसको बोला वो साथ भी नहीं चला भाई भाई साहब यार इतने ऊपर आ गया उस लोकल वो गुफा भी है भाई गुफा वो जड़ के उसने मना किया था ना यार रहने दो यार क्यों जाओ ऊपर बताया था ना कि उसकी भी दो तीन बकरियां गायब हो रखी किसी जानवर या उस आदम खोर ने खा ली ओ भाई तुम जाओ सुने काम का डंडा दे चल आगे चलता चल 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 यार तू चल यार कम से कम तो गाइस अभी इतने ऊपर आ चुके यार पता नहीं पहाड़ी आदमी कैसे जाते हैं यार वो बकरी चराते घूम रहा था अपने पैने पत्थर है यार यहाँ पे तो गिर गया ना इतनी बुरी चोट लग जाएगी भाई जल्दी आ जा विवेक नीचे क्यों जा रहा भाई तूने बोला उसको इसने बोला उत्तरी ये किसकी हड्डी है भाई नीचे निकलो यहाँ से जल्दी नीचे आ जा जल्दी आवाज चली जाएगी उधर भाई जल्दी आ जाओ यार भाई अभी नीचे जा रहे आराम से यार एक तो ये पत्थर इतने पहने यार टेंट के पास तो आ चुके हैं अभी जल्दी से टेंट खोले के रिजोर्ट साइड निकलते हैं अभी रिजोर्ट साइड निकल रहे अभी भी काफी टाइम लगेगा जाने में गाइस अभी वहां से तो आ चुके हैं सारा सामान तो आज ले ही आए हैं क्या सीन है यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है कल तो देखा था ना तूने कितनी भीड़ थी कल यहाँ पे 100-150 बंदों की भीड़ लगी थी सब कुछ ऑक्यूपाइड था आज देखो यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं हम चारों के अलावा टाइम 7 बजे होंगे हाँ इतने ही बजे होंगे यार इतने बजे कोई स्टाफ भी घूमता नहीं दिख रहा यार आज तो कुछ तो चीज हुई है वो तो आराम से मतलब आ सकते हैं सुन अंधेरा होते ही क्यों भाग जाते हैं कोई दिख रहा है स्टाफ भी नहीं दिख रहा ये चीज देखना तू स्टाफ तो इन्हें खुद पता है ये सारी चीज यहाँ पे है ये खुद ही अंधेरा होता ही वही चले जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए निकलना सबसे बेस्ट है एक काम करते हैं सुन एक काम करते हैं क्या
चल मैं और तू चलते हैं यार। सब कुछ तो बंद है, कोई मिलेगा भी नहीं। रिसेप्शन पे चेक करते हैं, रिसेप्शन खुला मिलेगा। खुला हुआ देखियो, कोई बंदा तो कोई नहीं यार उसके अंदर। भैया भैया, अरे मैनेजर सो गए सर, बताइए आप क्या काम है। अरे हम ना असल में ना यहाँ पे गए थे, यहाँ पे 1-2 किलोमीटर आगे जो वो गांव है ना वहाँ पे गए थे हम, तो वहाँ पे ना हमने कुछ चीज़ ऐसी देखी है, कुछ आदमखोर टाइप सी। सर आप वहाँ की वही वहाँ जाना अलाउड नहीं है सर। नहीं अलाउड तो नहीं है, पर लेकिन हमें ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए हम गए थे। एक बात बताओ, उस गांव में सच में कुछ आदमखोर वाली? सर वो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे भाई, हमने अपने कैमरे में देखा भाई, हमने कैप्चर करी है यार वो चीज़। सर वो गाँव वालों ने फैला दी है थोड़ी वैसी बात। अरे यार गाँव वालों ने फैला रहे भाई, अगर यहाँ पे भी तो घुस सकता भाई। नहीं सर हमारी सिक्योरिटी तो पूरी है, गेट बंद है भाई। गेट तो बंद है पर भाई अगर अंदर आ गया फिर यार सिक्योरिटी पूरी है सर भाई। सिक्योरिटी भाई ऐसे में भाई रह नहीं पाएंगे भाई, यहाँ से हमें चलना ही पड़ेगा भाई, हम भाई अगर हम रह नहीं सकते भाई। सिक्योरिटी पूरी सर, बाकी आपकी यार वो मैनेजर होता ना उससे बात कर लेते साफ साफ। मैनेजर से भी क्या ही बात करे, अभी अपनी प्रॉपर्टी के लिए भाई ऐसा थोड़ी ना बोले कि भाई लोगों ने तो सीधा एकदम मना ही कर दिया कि भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, एकदम हमारे कैमरे में कैप्चर हुई हुई। पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग क्यों कर रहे हो भाई? क्या बोलते हैं तो मना कर रहे यार, बिल्कुल बिल्कुल साफ मना कर दे कि भी यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। जब भी वहाँ पे पूछे उन्होंने तो साफ मना कर दिया, बकवास मत कर। मास्क का टुकड़ा लेके आए थे वहाँ से, बहादुरगढ़ लेके चलते हैं और वहाँ पे लैब टेस्ट करा लेंगे, पता भी तो चले यार ये इंसान का है जानवर का किस चीज का है। सो गाइस अभी तो ये डिसाइड किया कि रात को यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि यार रात को पहाड़ों पे ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी, भी मोड पे स्लिप होगी ना गाड़ी सीधा खाई में जाएगी। एक चीज से और ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इस सारे रिजॉर्ट में बस हम 4 बंदे। ये कितना कच्चा है, ये कुंडी लगा रखी है, नीचे वाली हाथ वाली कुंडी भी नहीं है इसमें तो। ये लोग भी नहीं है यार। इस वीडियो को सुबह कंटिन्यू करेंगे, अभी इस वीडियो को ये एंड कर देते हैं और अभी सुबह मिलते हैं।